हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कैम ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम अपने एम एस असेंबली का पार्ट 30 मॉडलिंग करने वाले हैं। और इस असेंबली का लास्ट है, उसके बाद हम सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। लास्ट टाइम जो पार्ट बनाए थे उसी के सामने का ब्लॉक है, 25x70x50। तो टॉप लेन पे गाइस मॉडलिंग करते हैं, अडाप्ट करते हैं स्केच 25x70 प्लस 70 प्लस करने से मेरे में एक्चुअल होता है, क्योंकि मेरे शॉर्टकट कीज में मैंने ये सेट करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कस्टमाइज कीबोर्ड। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ EXT। ओके, एक्सट्रूड में प्लस है, एक्सट्रूड कट में माइनस है। देन यहाँ पे दो होल है इस फ्रंट से, 40 mm पे, नीचे से 10 mm पे, ने 4.25 का होल है। तो इसके लिए हम होल विजार्ड यूज करेंगे। पोजीशन इस फेस पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। पहले इसको हम डाउन टू डिस्टेंस दे देते हैं मेजरमेंट्स के 10 mm, एंड यहाँ से ए 40 mm का। एंड देन इन दोनों को हम लीनियर कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। एंड अब इसको इसके सेंटर में करना है, तो यहाँ से इसको एब्स कर देते हैं। देन इसको हम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू मॉडिफाई करते हैं इसके डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड वैल्यू 2। इससे आप इसके मेजरमेंट चेंज कीजिएगा ना, तो भी इसके सेंटर में ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। होल साइज ले लेते हैं, ओके स्टैंड डाउन होल है, डिल साइज 4.2 ले लेते हैं। एंड आप ये हॉल कर देते हैं, ये स्मोसा कट हम एंड में करेंगे। इसके सेंटर 50 mm है। ओके, इसका डायमेंशन नहीं दिया है, तो पहले इसका हम PDF अपडेट कर लेते हैं। कुछ PDFs है जो से मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, उसमें कुछ मेजरमेंट मिस है गाइस, जैसे कि एरा इसका है 5 mm का होल से, एंड सेकेंड ऑफ होल इसका डायमेंशन 9.5। इसको ऐसे राइट क्लिक करके मोर स्मार्ट व्यू सेट डिस्प्ले डायमेंशन सेट कर देते हैं। इसको सेव एस पार्ट PDF, इसी के ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। ओ रिप्लेस के नहीं हो रहा कि PDF ऑलरेडी ओपन, इसको क्लोज कर दीजिए एंड फिर इसको सेव कीजिए रिप्लेस, हमारा अपडेट PDF आ जाएगा सामने। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको बिग करते हैं। एंड 5 mm के दो होल है ऊपर, 50 mm के सेंटर में, ब्लॉक सेंटर में है गाइस। तो इसको ऊपर से स्केच करते हैं, फीचर यूज करेंगे अपने होल विजार्ड। सेकेंड
इसके सेंटर के लिए हम अगेन वही करेंगे, इसको इक्वल टू कर देते हैं ए डिवाइडेड टू एंड ए होल भी थ्रू ऑल आएगा। एंड एक सेंटर में कट आउट है 90 mm का, एक कट आउट मीन्स इसके लिए ताकि वो रोड को है ना होल्ड कर सके, 90 mm का एक कट आउट थ्रू वॉल। गाइस तो ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है, इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए, और इसका नेक्स्ट वीडियो इसका कंप्लीट असेंबली आएगा। ओके ये राइस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ऑफिस, थैंक यू।